Japan refrigerator model VZ343। प्रॉब्लम ठंडा नहीं हो रहा। इसके पीसीबी सर्किट को हमने रिपेयर किया है। ये वीडियोकॉन 343 एडिटर है, काफी स्पेसियस है, स्पेस काफी बड़ा दिया है कंपनी ने इसमें। ये मशीन डेड हो चुकी थी, इसकी पीसी भी वर्क नहीं कर रही थी। इसको हमने रिपेयर किया है। ये सामने इसका डिस्प्ले है, पीसी भी लगा के मैं आपको बताता हूँ इसके डिस्प्ले के क्या फंक्शन है, इसको आप कैसे ऑटोमेटिकली डिफ्रॉस्ट साइकिल में डाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको इसका टेक्निकल पूरा नॉलेज बता दूंगा। अगर कभी डिफ्रॉस्ट साइकिल का प्रॉब्लम हुआ, आप इसको मैन्युअली कैसे डिफ्रॉस्ट में डाल सकते हैं, इस पैनल पे ये बटन के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। मैं पकड़ूं क्या आपका मोबाइल? देखिए दोस्तों, इसके पीसीबी सर्किट को फिट कर दिया है, इसके सारे कनेक्टर को कनेक्ट कर दिया है। एक जम्पर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये छोटा सा जम्पर है, अगर आपको दिखाई पड़े तो ये जम्पर पे दो पॉइंट है। अगर इसको निकाल के अब दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दोगे तो भी यूनिट जो है डिफ्रॉस्ट साइकिल पे चली जाएगी। सामने आप डिस्प्ले पैनल से भी इसको आप डिफ्रॉस्ट मोड में डाल सकते हो, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर भी है, ये कनेक्टर को निकाल के सीधा इसमें अगर लगा दोगे तो भी ये डिफ्रॉस्ट साइकिल आपका काम नहीं कर रहा है या कर रहा है, आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा। सामने पैनल पे DF करके लिख के आ जाएगा। दोस्तों कंप्रेसर, फैन मोटर, इस यूनिट का सब कुछ वर्किंग हो चुका है। इसके पीसीबी में प्रॉब्लम था तो पीसीबी तो हमने रिपेयर कर ली है। अब इसके फ्रंट पैनल का जो ऑपरेशंस है, इसके मैनुअल को डिफ्रॉस्ट में कैसे डाल सकते हैं मैनुअल डिफ्रॉस्ट में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा।
देखिए दोस्तों, ये इसका डिस्प्ले पैनल है। इसमें अप की है, ये डाउन की है, ये मोड का बटन है, ये टाइम सेट कर सकते हैं, ये फास्ट है इसका है, ये वैकेशन मोड है, ये सुपर चिल है, ये एनर्जी सेविंग है। अब आपको फंक्शंस के बारे में मैं बता दूं। मोड का बटन वन टाइम प्रेस करना है आपको। फिलहाल ये चाइल्ड लॉक हो चुका है, तो अप की और डाउन की को साथ में प्रेस करना होगा 3 सेकंड के लिए। इसके स्टेबल होने के बाद, ये जो लॉक ब्लिंक हो रहा है, इसके स्टेबल होने के बाद देखिए लॉक ओपन हो चुका है। अब अगर आपको टेम्परेचर सिलेक्ट करना है तो मोड के बटन को वन टाइम के लिए आपको प्रेस करना है। ये ब्लिंक होगा, ये फ्रीजर का टेम्परेचर रहेगा। अगेन इसको आप प्रेस करोगे तो ये रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर आपको डिस्प्ले करेगा। अब इसको माइनस प्लस करना है, कम ज़्यादा करना है, तो अप एंड डाउन की से कर सकते हो। जैसे ये फ्रीजर है, फ्रीजर 22 है, फिलहाल तो अपने यहाँ विंटर सीजन है, तो इसका माइनस 16 to 18 होना चाहिए। तो दोस्तों ये माइनस 18 डिग्री फ्रीजर के लिए सेट कर दिया है। सेम वे रेफ्रिजरेटर के लिए 3 to 4 डिग्री होना चाहिए विंटर सीजन के हिसाब से। फोर डिग्री सेट कर दिया है, फिलहाल विंटर सीजन है। या आप इसको विंटर सीजन या सीजन वाइज भी पैनल को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने स्टोरेज के हिसाब से पैनल को आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर इस मशीन में आपको कभी प्रॉब्लम आती है और अगर डिफ्रॉस्ट साइकिल में आपको मैन्युअली इसको चेक करना है, तो आपको ये जो अप की है, सॉरी ये डाउन की है और ये टाइम का बटन है, ये दोनों को आप सिमिलरली प्रेस करके रख दीजिए 3 से 4 सेकंड के लिए। मशीन के डिस्प्ले पे डीएफ आएगा, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर के टाइप पे डीएफ लिख के आएगा। अगर ये डीएफ लिख के आ गया तो ये डिफ्रॉस्ट मोड में चले जाएगी, और अगर नहीं जाती है डिफ्रॉस्ट मोड में तो इसके फ्रीजर के अंदर यहाँ पर सेंसर लगा है बैक साइड पार्टीशन में, डिफ्रॉस्ट सेंसर है। डिफ्रॉस्ट सेंसर के किलो ओम्स जो है 1.52 किलो ओम्स होना चाहिए। अगर 1.52 किलो ओम्स के अप या डाउन होगा तो ये डिफ्रॉस्ट मोड यहाँ पर नहीं डिस्प्ले होगा। और हीटर की कंटिन्यूटी और फ्यूज की कंटिन्यूटी, दो ही चीज़ की कंटिन्यूटी लेनी है। मैक्सिमम इसका डिफ्रॉस्ट सेंसर ही वर्क नहीं करता, कभी कभार डिफ्रॉस्ट सेंसर ही खराब होता है। पीसीबी से डिफ्रॉस्ट सेंसर का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपको ये यूनिट मिलती है कहीं पर रिपेयर को, तो मेरा वीडियो ये सेव करके रख दीजिएगा, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। दोस्तों वीडियो सही लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, और हैप्पी न्यू ईयर।